बाबा बागेश्वर यानी धीरेंद्र शास्त्री 20 फरवरी तक बागेश्वर धाम में ही हैं, लेकिन दिल्ली से लेकर वाराणसी तक उनकी जय जयकार हो रही है। लोकप्रिय होने के साथ साथ धीरेंद्र शास्त्री की ताकत भी बढ़ती जा रही है और इसी ताकत का प्रदर्शन 13 फरवरी से 19 फरवरी तक धीरेंद्र शास्त्री बागेश्वर धाम में करने वाले हैं। और इस दौरान कौन रहेंगे उनके मेहमान और क्या रहेंगे खास आयोजन, आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। दिल्ली में सनातन का समर्थन, बागेश्वर में सनातन का संगठन, दिल्ली से बागेश्वर तक बाबा का शक्ति प्रदर्शन, संपूर्ण संसार को संतों का तपोवन चलाता है और जो संतों के आशीर्वाद को लेकर बढ़ता है वो जिंदगी में जहां भी जाता है झंडा पार कराता है। ये तीन तस्वीरें दिखा रही हैं कैसे बाबा बागेश्वर ने सनातन के विरोधियों को अपनी शक्ति दिखानी शुरू कर दी है। आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर में डटे हैं। बागेश्वर में महाशिवरात्रि की तैयारियां जारी हैं। वहीं वाराणसी में भी संतों ने कीर्तन कर धीरेंद्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र बनाने का समर्थन किया। देश की राजधानी दिल्ली में बाबा के समर्थकों ने मोर्चा संभाला और पूरे देश को दिया संदेश। जंतर मंतर पर बाबा बागेश्वर के समर्थकों ने सड़क पर शक्ति प्रदर्शन किया। बोले कलयुग के राजा की, बोले कलयुग के राजा बाबा बागेश्वर धाम की। मैं यहाँ अपने बागेश्वर धाम सरकार की सुरक्षा के लिए आई हूँ। उनको Z+ सुरक्षा चाहिए क्योंकि उनके ऊपर बहुत उंगलियां उठाई जा रही है, जान से मारने की धमकी विदेशों से भी आ रही है। और उनको देखो, शरीर अपनी जगह है, चमत्कार अपनी जगह है, शक्तियाँ अपनी जगह है, लेकिन शक्तियाँ रखी रह जाएंगी। जब शरीर नहीं रहे तो शक्तियाँ क्या करेंगी। काम का पागल हूँ। क्यों पागल क्यों बन रहे हैं? बस पागल हैं, बस बागेश्वर धाम के पागल हैं। और छोटे वाले नहीं, बड़े वाले पागल हैं हम लोग। और यही पागल पूरे हिंदुत्व को बनाना चाहते हैं, पूरे देश को बनाना चाहते हैं कि हिंदुत्व जागो और पागल बन जाओ अपने धर्म के लिए। तो आप इस वजह से जो है पागल हो रहे हैं क्योंकि बाबा ने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है, ये वजह है या उससे पहले से ही पागल? नहीं नहीं नहीं, हम तो पागल हैं, हिंदुत्व के लिए पागल हैं और रहेंगे। आप भी अपने आप को पागल मानती हैं? पागल, ये पागलपन की इतनी खुशी क्यों? अशोक नगर का इस शक्ति प्रदर्शन का दूसरा हिस्सा आपको दिखाई देगा। दिल्ली से करीब 700 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के गढ़ा गांव में, जिसे अब बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है, यहां बाबा 20 फरवरी तक डटे हैं और सनातन के संगठन की शक्ति दिखा कर ही उठेंगे। इन 7 दिनों में अलग अलग तरह की छठ आपको दिखाई देगी। राम कथा होगी तो रास लीला भी होगी और महाशिवरात्रि का उत्सव भी होगा। ध्यान तेरा धर ले मन में, वो जग से मुक्ति पाए, वो जग से मुक्ति पाए, भव सागर से उसकी नैया तू पल में पार लगाए। सनातन का जय घोष होगा, धर्म का उद्घोष होगा और हिंदू राष्ट्र का विजय घोष भी होगा। बनाना है हिंदू, हिंदू तुम सब इन संतों का साथ दो, हम सब हिंदू राष्ट्र लेंगे। 13 तारीख के आयोजन को सफल बनाने के लिए ही धीरेंद्र शास्त्री रायपुर के दरबार के बाद बागेश्वर से रातों रात निकले थे और जगह जगह जाकर कार्यक्रम का निमंत्रण दिया था। ये कोशिश कामयाब होती नजर आ रही है। मेहमानों की लिस्ट पर नजर डालें तो जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य, योग गुरु स्वामी रामदेव जैसे चर्चित चेहरे, स्वामी ज्ञानानंद, रसिकाचार्य किशोरदेव जू महाराज जैसे सम्मानीय चेहरे भी हैं, साथ ही कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जैसे लोकप्रिय चेहरे भी शामिल हैं। राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी।
इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।